हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं अदर देन साइंस के लिए रगा का मॉक टेस्ट। और आप में से अगर किसी बच्चे ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, इट विल हेल्प यू अलॉट। यहाँ पे बहुत सारे हम लोग जो फ्री PDFs हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के, वो अपलोड करते रहते हैं, जहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च करोगे @FTTStudy मिल जाएगी। बाकी चलो देखो, 29 तारीख को हमारी एक बैच की जो है ना एनरोलमेंट डेट खत्म हो रही है, उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि बाद में फिर कहोगे कि बताया नहीं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात होती है। 29 फरवरी तक इस बैच में एनरोलमेंट चालू है। जो 513 की बैच थी उसको हमने 150 रुपीज़ में कर रखा, 153 रुपीज़ में। इसमें सिर्फ टॉप 500 PDF को हमने हटा दिया, वो इसके अंदर नहीं दे रहे बिकॉज वो महंगी आती है, तो उसको इसके अंदर हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो इस बैच के अंदर आपको इंग्लिश की एकदम बेसिक ग्रामर से पढ़ाई गई है, आपको मैथ एकदम डिटेल में पढ़ाया गया, रीजनिंग एकदम डिटेल में पढ़ाया गया, GK पढ़ाया गया। इन सभी बैचों में आपको जो भी लास्ट टाइम में आपको लग रहा है जो पॉइंट आपका वीक है, इनरोल होकर उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, ये कहाँ पे होगी? तो आपको A to Z Study आपको डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे बैच इनरोल कर लेना। और 29 फरवरी के बाद इनरोलमेंट बंद हो जाएगी। आप में अगर लगता है कि कोई टॉपिक वीक रह गई है तो आप इस बैच में ज्वाइन होकर उसको सुधार सकते हो। ठीक है, 15 टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है इस बैच के अंदर। कुछ समझ में ना आए ऐप को कैसे यूज करना A to Z Study ऐप को, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। अभी चलो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, पहला क्वेश्चन है दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। कहो कि हमको क्या पता कहाँ की मुद्रा है, हमने थोड़ी पढ़ रखा है। तो बहुत अच्छा कर रखा है, आपको प्राइज मिलने वाला है। तो दिनार जो है ना बहरीन की मुद्रा है। ठीक है, कहाँ की है भाई? बहरीन की मुद्रा है, तो ये चीज़ याद रखोगे। और मैं पूछूं आपसे कि चलो ठीक है, 2026 कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाला है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल गेम कहते हैं ना, हाँ, 2026 का, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? पहले इसको कहा गया था कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, बट बाद में ना इसको वो कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया कि 2026 हो रहा। अभी क्या ये TBA है? TBA का मतलब होता है टू बी अनाउंस, अभी ये अनाउंस नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन मैंने क्यों डाला, बहुत सारे लोग ना ऑस्ट्रेलिया आंसर कर देंगे, बिकॉज पहले से ये चल रहा था कि 2026 में होगा, 26 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, लेकिन स्टिल ये क्या है भैया, इसको कैंसिल कर दिया गया है 2026 का। अभी इनको फिक्स नहीं किया गया कि इस कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 का होगा कौन होस्ट करने वाला है। तो TBA करके अगर ऑप्शन में आ जाए तो कन्फ्यूज मत होना, टू बी अनाउंस्ड हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, और 2022 का जो हुआ था इसके पहले वो कहाँ हुआ था, वो एग्जाम में आ सकता है आपसे, तो वो हुआ था बर्मिंघम में। ठीक है, चलो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। अगला कह रहा है अनुच्छेद 370 भारत के किस स्टेट में लागू था पहले, अब नहीं है, हटा दिया गया, पता है ना आपको, वो जम्मू कश्मीर के अंदर था, सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुराण नहीं है? देखो मत्स्य एक पुराण है, ठीक है, और विष्णु पुराण भी है, नारद पुराण भी, बट कर्णाद पुराण आपको नहीं मिलेगा। ओके ना, कर्णाद पुराण आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बाकी सारे पुराण है। फिर आपसे पूछा जा सकता है स्वतंत्र भारत के जो है ना गवर्नर जनरल कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर मोर देन 80% बच्चे गलत आंसर करेंगे, बोलोगे बट मास्टर हमने तो रट रखा है। मैं स्टिल कह रहा हूँ ना, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाएगा तो आप गलत आंसर करोगे। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका आंसर मैं क्यों बोलता हूँ गलत करोगे, दो तरीके से पूछा जा सकता है इसके पीछे का। इसका बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हो ना कि सी राजगोपालचारी आंसर कर दो, मैं कहता हूँ गलत है, सी राजगोपालचारी नहीं होगा, बोलोगे मास्टर गलत पढ़ाते हो खाली। मैं बोलता हूँ नहीं, आपने कहीं गलत सुन लिया। देखो दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, पहला पूछेगा ना फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया, देन आंसर विल बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्योंकि ये जब इंडिया फ्री हुआ था ना उस टाइम भी क्या था, गवर्नर जनरल भारत का था। लेकिन ऐसा कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय कौन था, जो मतलब स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, मतलब फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आंसर होगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी तो इंडियन थे, तो इनके पहले अगर गवर्नर जनरल के पहले इंडियन गवर्नर जनरल आ जाए तो आंसर विल बी सी राजगोपालचारी। अगर इंडियन ना आए तो इसका मतलब वो क्या था, ब्रिटिशर्स था, जो कि भारत आजाद होने के बाद भी गवर्नर जनरल बन के बैठा हुआ था कुछ टाइम तक, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, बिटनवा को आंसर करोगे आप। आगे देखो, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए विटामिन डी का क्या है भाई, कैल्सिफेरोल है। ओके ना, रासायनिक नाम। अगर ये मैं पूछूं GPU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है, तो GPU का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपने ग्राफिक्स जैसे गेम में खेलते हो तो देखते हो ना, किसी का फोन लो एंड होता है, मतलब कम रैम होता है, ग्राफिक्स लो क्वालिटी की होती है, तो बहुत गंदा दिखता है, ग्लिच दिखता है गेम के अंदर। अगर आईफोन ले लो या फिर महंगी महंगी फोन ले लो 30-40 हज़ार तक, तो उसमें आपका ग्राफिक्स वगैरह ठीक रहता है, पबजी फ्री फायर ये सब खेलते हो तो अच्छा चलता है। ठीक है, मतलब देखने में भी लगता है कि हाँ जीन्यून टाइप का सब कुछ लग रहा है, कार्टून नहीं लगते हैं वो सब। फिर कह रहा है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, ठीक है, तो उनके घनों का योग कितना हो जाएगा? इस सवाल को कैसे बनाएंगे भाई? देखो सबसे पहले तो ये मान लो a-b दो, a और b दो नंबर है, और इनको अगर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 आती है, और इनके वर्गों का अंतर मतलब a² - b² करोगे
नीचे ऊपर लिखते हैं, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 6 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है 60, तो आपसे इनके घनों का योग पूछ रहा है, मतलब आपको ए और बी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैं ए और बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो हमको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 60 दे रखी है और ए माइनस बी की वैल्यू मेरे को 6 दे रखा है, तो मैं ए प्लस बी यहाँ से निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60/6 मतलब 10, तो मेरे को ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10। अब देखो यहां से समझ में आ गया, ए माइनस बी की वैल्यू 6 है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे को 10 है, तो मैं अगर इनको ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 8 और b बराबर क्या हो जाएगा, अब b बराबर यहाँ क्या लिख सकते हो, a 10 माइनस a कह सकते हैं ना हम लोग, तो 10 माइनस 6 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है, 10 माइनस क्या हो जाएगा 8 करोगे तो b की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे थोड़ा सा इसको, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 8 कर लोगे आंसर 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 कैसे कर दिया था, ये a की वैल्यू 8 है ना, तो 8 माइनस कराएंगे तो हमारी b की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कह रहा है a और b के घनों का मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू बता दो, तो भाई हम लोग फार्मूला पे जाएंगे ही नहीं, सीधे हम लोग 8 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब करेंगे, 512 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 520, क्या क्या बोल देता हूँ मैं, 520, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये मैथ अगर आपसे नहीं बना इसका मतलब आपके अभी भी प्रिपरेशन कमजोर है, ऐसे सवाल में कोई भी मैथ का कुछ एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, खाली एक फार्मूला अलजेब्रा का छोटा सा यूज हुआ यहाँ पे, जो बहुत ही बेसिक्स है। अगर अभी भी मैथ आपकी वीक है, अलजेब्रा ट्राइगोनोमेट्री मेंसुरेशन या फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कुछ भी मतलब आपका स्ट्रांग नहीं है, तो हमारी बेसिक बैच से पढ़ लो, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है फिर भी मैथ में गलती कर रहे हो, तो हमारी टॉप 500 सीरीज की जितनी भी पीडीएफ है एग्जाम से पहले सबको बना डालो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स की पीडीएफ हो, ठीक है, या फिर आपका रीजनिंग का पीडीएफ हो, मैं गारंटी देता हूँ कि 100% मैथ 100% रीजनिंग हमारे पीडीएफ के कंसेप्ट का यूज करके आएगा, और सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन के साथ, और वहीं पे करंट अफेयर जीके भी है और वोकैब की पीडीएफ और ग्रामर की पीडीएफ सब है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इन सब पीडीएफ्स को बाय करोगे आप व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, सारी पीडीएफ्स की प्राइस फिक्स्ड है 7279047787 व्हाट्सअप करो, और एग्जाम से पहले दो बार कम से कम पढ़ के जाओ, एग्जाम में आप फोड़ के आने वाले हो 100% फोड़ के आओगे। अगला क्वेश्चन देखो हमारा रेशियो से है, कह रहा है 16 और 24 के लिए तृतीय अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बी स्क्वायर बाई ए, तो हमारा b क्या है यहाँ पे 24, तो 24 इंटू 24 बटा में क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 4×16 4×24 और ये हो जाएगा 4×24 मतलब डेट इज 36, ठीक है। तो 36 ऑप्शन नंबर हमारे डी के अंदर है। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, अगर आपका आंसर गलत हो जा रहा है, आपको नहीं बनाने आ रहा ना, तो आप मेरे अंदर कमी निकालने लग रहे हो, सर आपका लगता है यहाँ पे आंसर गलत है, भाई अपना कैलकुलेशन देख लो, आपने गलत क्या होगा, मैं ये सारी चीजें कम से कम दो बार सॉल्व करता हूँ तब पढ़ाने आता हूँ, ऐसा नहीं कि मन में आया चल के उठ के पढ़ाने लगे, तो ये जब मैं सवाल बना रहा होता हूँ फिर बना के जब मेरे को टाइप करके मिलता है, जब मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ तो फिर मैं चेक करता हूँ, तो इस प्रोसेस में दो बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसमें गलती की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, ठीक है। अभी 11760 के 1/3 के 3/8 का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, अब जल्दी से बताओ, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 11760 का 1/3 करोगे और इसकी 1/3/8 करोगे और इसका 1/5 करोगे, तब जाके इस पूरे प्रोसेस को आप सॉल्व कर पाओगे। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, देखो 3 कट गया आपका, अब ये लिखोगे 17 11 7 60 और ये 8×5 करोगे 40, ये कट जाएगा 0 0 और ये 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 8 4 9 36 4 6 24, ठीक है। तो ये चीज ठीक है ना, 4 6 24 4 6 16 हो जाएगा, ठीक है, तो 294 ही आ रहा है इसका आंसर, ठीक है ना, तो ये चीज हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, यहाँ पे देखो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 294 आ जाएगा, मेरे को आंसर नहीं याद भी हो जाता है इसका, तो खैर मेरी मत लिया करो कि मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ मत देखा करो, मैंने बोला ना दो बार मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे को आंसर याद हो जाता है, तो मेरा चीज़ यहाँ पे काउंट ही मत करो कि सामने वाला इतना फास्ट कर रहा है हम स्लो कर रहे हैं, जो इतने सालों से पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है और आप जो नया सीख रहे हो दोनों में कुछ तो फर्क होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी स्पीड में मत ध्यान दो, आप अपने स्पीड को खाली बढ़िया करने की कोशिश करो, टेंशन नहीं लेना कि सामने वाला बहुत फास्ट कर रहा है और हमारी स्पीड खराब है, आप प्रैक्टिस करोगे आपकी भी हो जाएगी। आगे देखो, एक छात्र को घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करना हो तो 1.25 घंटे लगते हैं, अगर स्कूल से घर तक की समान दूरी है, अगर उसको अपने वो 25% स्पीड कम कर दे तो आप बताओ कितना समय को अगर 25% कम कर दे तो बताओ अपनी स्पीड को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। भाई इसके पीछे का एक लॉजिक पता है आपको क्या होता है, स्पीड वन जब डिस्टेंस बराबर हो तो स्पीड वन इंटू टी वन टाइम वन इज इक्वल टू स्पीड टू इंटू टाइम टू, ये फॉर्मूला होता है। तो पहला क्या कह रहा है, स्पीड क्या था 4 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो उसको टाइम कितना लगता था, 1.25। तो मैं 1.25 ना लिख के मैं लिखता हूँ 125/100, मैं पॉइंट हटाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे को कह रहा, ध्यान सुनना यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पीड को क्या कर रहा है भाई, स्पीड के बारे में कुछ नहीं कहा, कह रहा है कि स्पीड को कितना बढ़ाना होगा। तो पहले 4 थी, तो मान लो एक्स स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक्स स्पीड बढ़ा रहे हैं, और टाइम को कह रहे 25% कम कर दो। तो टाइम मेरा पहले क्या था, 125/100 था, अब मेरे को इसका ना 25% घटाना, तो मैं 75/100 लिख सकता हूँ। कोई डाउट? नो डाउट। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट गया, क्लियर है, ये 25 से 3 बार में और ये 25 से 4 बार में। अब जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 12 + 3x, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब मेरे को x बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ बता दो, x बराबर हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर हो गया। आप क्या रहना कि मेरे को बताओ गति को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। पहले मेरा गति 4 था, अब मेरा गति कितना हो गया, अब मेरा गति क्या हो जाएगा, 4 + स्पीड 2 हो जाएगा, 4 + x = 4 + 4/3, मतलब 4 × 3 = 12, 4 × 16/3 हो गया मेरा। तो ये कितना प्रतिशत बढ़ गया मेरा, ये चीज़ बता दो। अब कहोगे सर आपने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, इसको कुछ शॉर्टकट में बता दो, ठीक है, इतना भी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन को बड़ा करना पड़ जाएगा मेरे को इस तरीके से, तो मैं इसको पूरा हटाता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा सेकंड, मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे को ये कह रहा ना कि आपको 4/3 बढ़ाना होगा। तो मतलब ये कितना प्रतिशत है 4 का, मतलब एक 4 का ना 4/3 मेरे को बढ़ाना होगा 4 में। तो ये 4 का मान लेते हैं ना ए प्रतिशत है, ये क्या है 4/3 है, ए परसेंट है। तो मेरे को ये कटा लोगे, ए बराबर 100/3% मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, मेरा यहीं पे आंसर आ गया, अदरवाइज कैलकुलेशन और बड़ा हो जाता, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया कैलकुलेशन को। आगे चलते हैं, कह रहा है आपसे क्या, कह रहा है टेन एक्स बराबर क्या है, sin 45° cos 45° + sin 30° देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, साइन 45, देखो यहाँ पे ना उतना टेंशन ना लो, टेन एक्स बराबर क्या लिखोगे, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। देखो मेरा गला थोड़ा सा फंस रहा है, इसके पीछे का रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लासेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल, यूट्यूब पे भी आप देख लो दिन के 4 से 5 क्लासेज अपलोड हो जा रहे हैं, पेड बैचेज में हो जा रहे हैं, इसके वजह से गला थोड़ा सा फंसने लग रहा है, ठीक है। अब ये cos 45 की जगह पे क्या होगा, 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, 1/√2 होता है साइन cos की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब मेरे को इनको सॉल्व करना क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 1/2 देन 1/2, आंसर विल बी 2/2 = 1। तो मेरे को tan x की वैल्यू क्या मिल गई, 1। तो मतलब मेरे को एक बात बताओ कि ये tan किसकी वैल्यू 1 होती है भाई, तो tan x बराबर हो जाएगा tan 45°। तो x बराबर मेरे को मिल गई 45°, बिकॉज 45° की वैल्यू tan में 1 होता है। तो ये चीज समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं 13th नंबर क्वेश्चन क्या है, आयत का विकर्ण 15 cm है और लंबाई 12 cm है, तो आयत का एरिया बताओ। ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ओके मास्टर प्यारा सा क्वेश्चन क्या है, लंबाई चौड़ा दिया रहता था ना, L(b) कर देते हैं, नौटंकी बतियाते हो, यहाँ पे विकर्ण दे दिए हो। अरे भाई विकर्ण का फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, एक बात बताओ मेरे को, मैं अगर ये कह दूँ आपसे, अगर एक रेक्टेंगल है, अगर इसकी डायगोनल दे रखी गई है 15 cm और इनकी लेंथ दे रखी है 12, तो आप ये विड्थ नहीं निकाल सकते हो, क्या होता है ट्रायंगल बन गया ना एक, तो विड्थ बराबर क्या होता है, रूट अंडर 15 का स्क्वायर, मतलब डायगनल का स्क्वायर माइनस वो लेंथ का स्क्वायर, तो 225 में से 144 घटा दो, आंसर क्या हो जाएगा 81, डेट विल बी 9। तो विड्थ हो गया आपका 9। तो कह रहा है इसका एरिया बता दो, कहोगे मास्टर बहुत तेज बनते हो, देते हो कुछ, पूछते हो कुछ, ये हो जाएगा 9 × 12 108 cm, है ना, प्यारा सा सवाल। सेंटीमीटर नहीं कह सकते, पाप लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है ना, ठीक है। तो डायगनल भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होने का ब्रो, कुछ लोग पता है क्या कहते हैं 15 × 12 कर देंगे, तो फिर लोचाए उल्फत हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर कह रहा है कि एक काम का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है, जे इसी काम को 2/5 भाग 4 दिन में पूरा करता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। अब इसकी काम की ऐसी की तैसी कर दे, देखो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू देना, कि कह रहा है कि काम ना कि एक काम का 3/4 भाग 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं जे इस काम का 2/5 भाग 4 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा, तो के कंप्लीट कितना दिन में करेगा भाई, इसको उल्टा कर दो, 4/3 कर लो और उनका डेज से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये 3 × 2 और ये के पूरा काम 8 डेज में करेगा, और जे का उल्टा करोगे 5/2 × 4 कर दो डेज के साथ, तो ये जे जो है ना 10 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट करेगा। तो के प्लस जे मिलके कितने दिन में करेंगे, तो बोल सकते हैं ना कि a×b/a+b, तो 2 8 × 10 और प्लस में 8 + 10 = 80/18,
अब जो आ जाए इसका आंसर 40/9 आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इतना दिन में काम को निपटाया जा सकता है। तो ये मैंने टाइम एंड वर्क के अंदर पढ़ा रखा था, तो आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, अदरवाइज बोलो जय सिया राम। और क्या बोला बुलवा सकता हूँ लास्ट टाइम में मैं आपसे, लास्ट टाइम में भी है टाइम आपके पास। मैंने जो 513 की बैच को आखिर 153 क्यों करा, उसकी 2 मंथ वैलिडिटी है, आपको ज़्यादा बैच दे भी नहीं रहा मैं आपको उसके अंदर कि हाँ जिंदगी भर पढ़ते रहो, 2 मंथ में जितना पढ़ना पढ़ लो, और लास्ट टाइम एग्जाम के लिए मैं लेके आया हूँ। 1 मंथ देना मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने 2 मंथ वैलिडिटी दे दी थी कि आप एग्जाम दे के भी आओ ना, तो कुछ कुछ चीज़ों को मिला सकते हो। हाँ उससे अगर आपको फ़ायदा लगा कि नहीं लगा, और आपने नहीं भी पढ़ा तो आगे पढ़ने के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ठीक है। अब देखो एक वस्तु 20% छूट देने के बाद एक विक्रेता 20% लाभ पर कमाता है। देखो मान लो कोई वस्तु है, अगर उस पर हम 20% का डिस्काउंट दे भी दूँ ना, सपोज डैट कि मेरी बैच चाहिए, मैंने उस पर आपको 20% का डिस्काउंट दे के भी ना मैं 20% का प्रॉफिट कमा रहा हूँ। तो यदि वस्तु का क्रय मूल 300 रुपये है, तो 25% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा? मान लो उस बैच को बनाने में मेरे को 300 रुपये खर्च आए हैं, तो मेरे को बताओ 25% का अगर मैं डिस्काउंट दे दूं जो मैंने मार्क कर रखा है, तो फिर मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे को मेरी मार्क प्राइस पता होनी चाहिए। ओके फिर भी चलो मैं लिख रहा हूँ ना कि चलो बताओ मेरी अगर कॉस्ट प्राइस कितनी है 300 है, तो मैं कहता हूँ अगर इसको मैं सेल करता हूँ कितने में, 20% के प्रॉफिट पे, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? तो 300 का मैं 20% अगर कमा रहा हूँ, तो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 360 रुपये। अब मेरी ये 360 रुपये कब है? जब मैंने मार्क प्राइस के ऊपर आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब मार्क प्राइस की मैंने 80% वैल्यू रखी ना, तो उसकी वैल्यू मैंने 360 रख दी। दिख रहे हो आप कितनी कहानी शानदार है इसके अंदर? तो ये 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, और ये 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा मेरा 450। तो मैंने मार्क कर रखा था 450, और मैंने कह रहा था ना कि अगर 300 की चीज़ को 25% डिस्काउंट पे दे दूँ, तो अगर मैं सेल करता हूँ मान लेता हूँ ना कितने में, 450 का 75% पे भी सेल करूँ, 25% का डिस्काउंट दे दूंगा अगर, तो मैं 25 या 75, 25 × 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये चीज़ बता दो मेरे को। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा ना, 2 × 2 = 4, चलो लिखते हैं इसको, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 7, और 3 × 6 = में ये, तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, मैं इतने में सेल कर रहा हूँ। मतलब मेरी देखो डिस्काउंट देने के बाद सेकंड वाली सीन के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं सेल कर रहा हूँ उसको 33.37.5, और मैंने बाई कर रखा था कितने में, 300 रुपये में, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो रखा है यहाँ पे, प्रॉफिट का परसेंट, तो प्रॉफिट हुआ मेरे को 37.5 की, कॉस्ट प्राइस थी मेरी 300 की, और × 100 कर दो आंसर आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 3 × 3, 3 × 2 = 6। अच्छा आपसे वो नहीं पूछा, विक्रय मूल्य पूछ रखा है, मैं प्रतिशत निकालने लगा, सॉरी इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मैं प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहा हूँ कि एंड में मेरे को कितना परसेंट की प्रॉफिट होगी। मेरे से सिर्फ कॉस्ट सेलिंग प्राइस पूछा गया जो कि 337 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा, बस इतना ही करना था, मैं आगे भी बढ़ने लगा था। पता है मैं क्या कर रहा था, मैं सोच रहा था ना कि चलो ठीक है मेरे से प्रॉफिट का परसेंट पूछा गया होगा, तो मैं प्रॉफिट का परसेंट निकाल रहा हूँ कि 300 की चीज़ को मैं 337.5 में बेचूँ तो कितना कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो मेरे से वो सब नहीं पूछा गया, बस बोला बोला गया कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आपको आंसर ये कर देना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि 5, 8, 14, 2, 6, 5, 0 के बाद अगला सीरीज क्या हो जाएगा, तो आप वीडियो को रोक के सॉल्व करोगे, तो ये हमारा 5, 8, 14, 26, 50 ... यहाँ पे वाट के जगह पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इसके अंदर कोई 3 ऐड कर रखा गया है, इसके अंदर कितना ऐड कर रखा है भाई ये चीज़ बता दो मेरे को, 6 ऐड करा रखा गया है, इसके अंदर मेरे से 12 ऐड करा रखा गया, इसके अंदर मेरे से 24 ऐड कराया गया, तो अगली में क्या ऐड करेंगे भाई? देखो इसका 2 टाइम्स है ये, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, तो इसका 2 टाइम्स कर लो, 2 गुना कर लो, इट विल बी 48, तो मेरे को 50 के अंदर 48 ऐड करा लोगे, 98 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पहला से क्वेश्चन था, कर सकते हो आप। अब मैं स्पीड में क्यों चल रहा हूँ, बिकॉज मेरे को मोर एंड मोर क्लासेस अपलोड करने हैं, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में ना चलूँ तो मैं दिन में ज़्यादा क्लासेस दे नहीं पाऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है। अगर कह रहा कि नॉलेज नाइफ नॉन काइट, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कौन सा पहले स्थान पे जाएगा? पिछले मॉक टेस्ट के अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखा था इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप समझ में आ गया होगा कि एन के बाद ओ है, कि एन के बाद आई है, कि एन के बाद ओ है, कि एन के बाद आई है, पहले आई आता है कि ओ, तो बोलोगे पहले आई आता है, तो आई के बाद इसमें टी है, आई के बाद इसमें एफ है, तो ऑब्वियस चीज है नाइफ पहले आएगा, ठीक है। प्रथम स्थान पर आता है, गलत मैंने बोला, रुको, इसके अंदर एन कहाँ है, नहीं ना है, इन सब के बाद एन 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 है, और इसके अंदर आई खाली आ गया, तो पहले आई आता है तो काइट पहले नंबर पे आएगा, मेरे को लगा कि इसके अंदर भी एन छुपा है, तो एन नहीं है, देखो के बाद इसमें एन है, इसमें एन है, और इसमें एन है, बट इसके बाद के बाद आई है, तो एन पहले आएगा कि आई, तो पहले आई आएगा, तो पहले काइट आ जाएगा। 18th नंबर देखो, के
कि मेरे को 6 7 8 को 62 लिखा गया है, 7 8 9 को 79 लिखा गया, 5 6 व्हाट को 47, क्या करेंगे कि 47 आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, तो इसको हमने क्या कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ बताओ इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो मेरी जो जो बड़ी बड़ी वैल्यू है अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 7 हो जाएगा 56, और 56 में छोटी वैल्यू ऐड कर देंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। सेकेंड में करेंगे 8 × 9 कर दोगे विल बी 72, और उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऐड करेंगे 79। तो मेरे को अगर इस वाट वाले वैल्यू में मेरे को मान लो वाट के साथ मैं 6 को मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड करूँ तो मेरे को 47 मिलना चाहिए। तो वाट इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा, 43। तो ये कटेगा क्या, 42 हो जाएगा ना, मैंने 43 कैसे लिख दिया, हो जाएगा मेरे को 42। तो ये हो जाएगा कट के वाट इज इक्वल टू 7, हो गया ना, ये 7 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं भाई, 19 नंबर कह रहा है एम पी है, टी डब्ल्यू है, ए डी है, एच के है, तो कैसे लिखेंगे इसको, इसका कलर चेंज करते हैं। ये है एम पी, टी डब्ल्यू, ए डी, एच के। तो अगला वाला हमारा क्या हो जाएगा जनाब, देखो यहाँ पे एम के बाद क्या कर रखा गया, एम होता है 13 नंबर पे, ये हमारा टी होता है 20 नंबर पे, मतलब हमने इसके अंदर 13 और 20 के बीच का मतलब 7 ऐड कर रखा गया है। 20 के बाद मेरे को देखो क्या होता है, मेरे को अगर 7 ऐड करेंगे तो मेरे को जेड, 6 ऐड करोगे तो जेड मिल जाएगा, जेड के बाद ये मतलब फिर इसके अंदर 7 बार आगे पढ़ा गया। फिर ए में अगर हम 7 ऐड करेंगे विल विल गेट एच, एच में अगर 7 ऐड करें तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ये चीज़ बता दो। एच में 7 ऐड कर दोगे भाई तो मेरे को ओ मिल जाना है, बिकॉज 8 और 8 नंबर पे होता है ना, तो ये ओ मिल जाएगा। तो ओ से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, ठीक है। मेरे को अगर देखोगे इसके अंदर भी 7 ऐड करा रखा होगा, इसके अंदर भी 7 ऐड कर रखा गया, इसके अंदर भी, तो आपको के अंदर अगर 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 18, 18 नंबर पे होता है आर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का है। इन सब में आपसे कहा जा रहा है कि साइन को चेंज करो, ठीक है। लाइक प्लस का मतलब अगर कहा जा रहा है कि माइनस कर दो, और डिवाइड का मतलब आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस कर दो, माइनस का मतलब डिवाइड कर दो। इस इक्वेशन को करेंगे 18, डिवाइड की मतलब है 20, और माइनस का मतलब क्या है आपसे कह रहा है डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई को क्या कर दो भाई प्लस कर दो, और प्लस को कर दो माइनस, क्या आंसर आता है, 5 4 18 72 प्लस 4 -20, तो हो जाएगा हमारा 76 - 20 बराबर 56। ऑप्शन नंबर सी में हमारा बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। ओके, जितना मैंने जल्दी जल्दी किया उतनी जल्दी जल्दी नहीं भी हो रही है, टेंशन वाली चीज़ नहीं है, आपके पास टाइम रहेगा आप कर लोगे। मैं तो रट लेता हूँ ना जब मैं बनाता हूँ, देखो आप दो चीज़ अगर बनाओगे तो आपसे रटा जाएगा, इसे ही रटा जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेरी स्पीड को बिल्कुल भी मत काउंट करो, गीत की तरह मैं गा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे से रटा गया है सब चीज़ सॉल्व कर करके। तो ये चीज़ आपको देखे ना वो मतलब हताश नहीं होना कि सामने वाला तो भाई ये तो इतना जल्दी जल्दी बना रहा है, हमारी स्पीड है नहीं, हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा, काहे नहीं निकलेगा, आपके दूसरी प्लानट से आए हो आपसे भी एग्जाम निकलेगा, खाली प्रैक्टिस करते रहो। फिर देखना है ना, ये है बी है जे है एच है वाई क्यू एस है, तो इसी तरीके से एल सी जी है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो बी जे एच को हमने क्या कर रखा, वाई क्यू एस लिखा है, तो एल सी जी को क्या लिखेंगे भाई, तो इसके अंदर हमने क्या कर रखा, बी के अंदर देखो क्या कर रखा गया। अगर हम पहले तो ये देख लो वाई कितने नंबर पे आता है, बोलोगे सर वाई 25 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे होता है। क्यू कितने नंबर पे होता है, 17 नंबर पे होता है, और ये 10 नंबर पे होता है, मतलब बी प्लस वाई ऐड करेंगे वी विल गेट हियर 27, जे प्लस अगर क्यू ऐड करेंगे वी विल गेट हियर 27, इन दोनों की वैल्यू। एच कितने नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है, एस 19 नंबर पे होता है, अगर इन दोनों की वैल्यू को हम एच प्लस एस करोगे 27 मिलेगा, ये 27 का रूल है, 27 का रूल है, मतलब दो वैल्यू को ऐड करने पर अगर 27 आ रहा है तो हम सब सेम रूल फॉलो करेंगे। एल 12 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है, जी 7 नंबर पे होता है, तो 12 में हम क्या ऐड करेंगे कि 27 आएगा मेरे को, 15 आंसर 27 आएगा। तो ये एल 12 नंबर पे होता है, और वो कितने नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है, तो हम वो ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 में हम क्या ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 14 नहीं ऐड कर सकते हम लोग, 24 ऐड करेंगे, तो भाई 24 नंबर पे क्या आता है ये चीज़ बता दो, एक्स आता है, ठीक है। और मेरे को ये 7 है, मेरे को क्या ऐड करेंगे तो 27 आएगा, कहोगे 20, 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है, ठीक है। तो मेरे को मिल गया ओ एक्स टी, ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ए के अंदर है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं पूरे के अंदर कितने त्रिकोण हैं, त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स हैं, बताओ जल्दी से, 8 10 12 और 11। तो कहीं सबसे पहले देखो एक जो बाहर के साइड है ये सभी चीज़ें 1 2 3 एंड 4,
और एक बड़ी सी देख रहे हो उसके अंदर एक, चलो इसके अंदर का देखते हैं, 5 6 7 8, ठीक है 8 तो मेरे को मिल गया। उसके बाद देखो ये वाली 9, मेरे को इधर से 10 और ऊपर से 11 और नीचे से ये वाला 12 ट्रायंगल्स मिल गया मेरे को, कुल मिला के 12 ट्रायंगल है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ तो वीडियो को रोका करो, फ्रिक्वेंट एक्शन लो, फास्ट एक्शन लो, अदरवाइज मैं तो रुकूंगा नहीं यहाँ पे, मैं तो आंसर करते चल जाऊंगा। आप पहले खुद से सॉल्व करो, देन मेरे सॉल्यूशन को देखो। इसके अंदर क्या कह रहा है आपसे बताओ, इस पूरे सीरीज के अंदर ऐसा बताओ कितने वन ऐसे हैं जो तुरंत पहले 9 आ रहा है और तुरंत बाद में 7 नहीं है, मतलब एक के पहले 9 होना चाहिए लेकिन उसके बाद 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले वन के पहले 7 है जबकि 9 होना चाहिए, तो ये नहीं काउंट कर सकते। इसके पहले 1 है, सॉरी 9 है लेकिन इसके बाद 1 है, तो ये हमारा हो गया 9 1 1 वाला। इसके बाद में 7 नहीं है, और इस वन के पहले 7 है जबकि 9 मेरे से कहा जा रहा है। इस वन के पहले 9 है और इसके बाद 7 है, तो ये नहीं दे सकते, बिकॉज इसके बाद 9 होना चाहिए तो बाद में 7 भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद 7 नहीं है, इस वन के बाद ना तो पहले ना तो 9 है ना तो 7 है, इस वन के बाद पहले ना तो 9 है ना तो बाद में 7 है, इस वन के बाद भी ना तो पहले 9 है ना ही 7 है, और इस वन के पहले 9 भी है और 7 भी है, तो ये भी नहीं लेना मेरे को। गजब कंडीशन रखा गया, पहले 9 होना चाहिए लेकिन बाद में 7 नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऐसा फॉलो कर रही है। ये 9 1 1 के पहले क्या है, इस वन के पहले 9 है और बाद में 7 भी नहीं है, तो इस तरीके से पूरा एक ही ऐसा मेरे को मिला जिसके पहले तो 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। 24 नंबर देखो, कहा जा रहा है ना आपसे एक पंक्ति के अंदर कितने लोग खड़े, पंक्ति में 7 लोग खड़े हैं, 7 लोग नहीं 7 लोग कहना चाहिए था, 7 persons आर स्टैंडिंग, ठीक है इन अ रो, क्यू आर के बाई और लेकिन पी के दाहिनी ओर खड़ा है, ओ जो है ना एन के दाहिनी ओर है, पी के बाई ओर खड़ा है, इसी प्रकार एस आर के दाहिनी ओर और टी के बाई ओर खड़ा है, तो ज्ञात कीजिए कौन मध्य में खड़ा है। तो सबसे पहले मैंने एक रो बना देना है, ठीक है। रो के अंदर क्या कह रहा है, क्यू जो है ना आर के बाई ओर है, मान लो आर कहीं पे भी है, इसके लेफ्ट साइड में मान लो कौन है, क्यू है, लेकिन ये पी के राइट में है क्यू, तो पी के राइट में मैंने बैठा दिया क्यू को। कह रहा है ओ जो है ना एन के दाहिनी ओर है और पी के बाई ओर है, तो पी के लेफ्ट में कौन है भाई, ओ है, और ये एन के राइट में, तो मेरे को इधर जगह बनाना पड़ेगा, एन के राइट में इधर आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार ऐसे जो है ना आर के राइट में है, तो आर इधर है, तो आर के राइट में इधर ऐसा आ जाएगा। मिडिल में क्या है, 7 लोग मिल गए मेरे को, 6 लोग ही मिले भाई। अच्छा टी के बाई ओर है एस हमारा, तो टी इधर हो जाएगा, तब ना इसके लेफ्ट में हमको एस मिलेगा, तो मिडिल में कौन आ गया, 3 लोग इधर से, 3 लोग इधर से, बीच में हमको मिल गया क्यू, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 25th नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे ना कि बताओ टीचर्स प्रोफेसर और क्लर्क के बीच का बताओ कौन सा हमारा सही सा बनेगा। भाई देखो जितने भी प्रोफेसर हैं वो कहीं ना कहीं टीचर है, और जितने भी टीचर हैं वो प्रोफेसर के अंदर ही काउंट आएंगे, बट क्लर्क का प्रोफेशन ही अलग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, दिमाग लगाओ वीडियो को रोक के, सी, क्योंकि टीचर और प्रोफेशन तो सेम, प्रोफेसर तो सेम कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि प्रोफेसर भी एक टीचर ही है, लेकिन क्लर्क ना तो टीचर है ना ही प्रोफेसर है, वो अलग आ जाएगा। 26 नंबर देखो, कह रहा है इस फोटो का अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे, साइड मिरर करेंगे तो कैसा बनेगा ये। पहली बात तो साइड मिरर में जो जो जिधर है उसी ऊपर नीचे नहीं करते, बस लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट करते हैं, तो ए एंड बी आंसर कर दो, बिकॉज ऊपर का नीचे कर दिया गया इसके अंदर, गलत है। सी एंड डी में हो जाएगा, देखो ये ब्लैंक जो ऊपर में है तो सी के अंदर नीचे कर दिया गया, इट विल बी इनकरेक्ट, तो ये ऊपर के साइड ही रहेगा ब्लैंक चीज, कलर जो, सॉरी कलर मैं बार बार ना डार्क को ब्लैंक बोल देता हूँ, ब्लैक जबकि बोलना होता है मेरे को, ये बोलने में मिस्टेक है मेरी, ब्लैक वाली चीज, ब्लैक और ब्लैंक का बड़ा फर्क है ना, इसीलिए मैं कभी कभी गलत बोल देता हूँ। तो ये जो ब्लैक है ना ऊपर में ही रहेगा, ये नीचे की साइड नहीं आएगा, डार्क वाली फोटो जो है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे देखो, कह रहा है क्वेश्चन अगर इसको हमने ऐसे लिखा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे। देखो इधर से एक लाइन थी, उसके पीछे से एक लाइन खींच दिया हमने, तो इसके पीछे से किसके पीछे से खींचे, नीचे करें कि इधर से खींचे, तो गाइस पहली बात इसके अंदर कुछ है ही नहीं, दोनों साइड से बढ़ा दो इस लाइन को, एक इधर से बढ़ जाएगा और एक इधर से बढ़ जाएगा नीचे से, आंसर विल बी बी, बहुत ईजीएस्ट था और मे भी इतना ईजी ना है, फिर भी हमने इजी दे रखा है कि आपकी डरना नहीं, बस सीखो अभी फिलहाल, ठीक है। अभी क्योंकि 1 मार्च से डिफिकल्ट हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ये थोड़ा सा मे भी आपसे टाइम ले कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है चूज करो, ये टाइम लेगा थोड़ा सा आपसे, तो बताओ डिफरेंट कौन सा है। अगर वीडियो को रोक के आपने देख लिया कि डिफरेंट कौन सा, देखो ये सारे देख रहे हो ना इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ये भी देखो इधर से रोटेट कर रहा है, ये भी इधर से, लेकिन ये देखो इधर से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी देखो इधर से, तो मतलब देख रहे हैं ना ये दोनों, ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ये दोनों क्लॉकवाइज, तो इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। बट एक चीज देखना आप, मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज करता हूँ कि क्या फर्क है इन तीनों के अंदर। ये तीन है, ठीक है, एक साथ मुंह है इनका,
इन तीनों का एक साथ मुंह है, अब इन तीनों का एक साथ मुंह है, इन तीनों का एक साथ है, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ, इन तीनों का, रुको, इन तीनों का जो फेस है एक साइड में, अब इस तीनों का फेस, ठीक है, इन तीनों के फेस के बाद देखोगे ना आप, और ये जो अकेला इंसान है, ठीक है, इसके बाद में देखो जिधर के साइड जा रहे हैं उधर के साइड एक बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे हो ये क्या बोल रहा है, फेस है क्या है क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो देखो मैं समझाता हूँ आपको बढ़िया से, वो बढ़िया से क्या बात है, मतलब ये चीज़ है ना कि ये जो तीन तीन आपको दिख रहे हैं ना इस तरीके से मुड़े हुए पार्ट, इन तीनों के आगे एक सिंगल आदमी खड़ा है, इन तीनों के पीछे एक सिंगल आदमी खड़ा है, इन तीनों के आगे, इन तीनों के आगे खड़ा है एक इंसान, ये जिधर की तरफ जा रहे हैं ना उसकी तरफ एक सिंगल इंसान खड़ा है, लेकिन बी के अंदर क्या है, सिर्फ अलग है कि ये पीछे है, ये तीनों जा रहे हैं आगे और ये एक इंसान पीछे से आ रहा है, और बाकी सब में अकेला इंसान आगे, पीछे से तीन लोग हैं। इसमें देखो अकेला इंसान आगे और इसके पीछे तीन लोग, इस तरीके से इमेजिनेशन क्रिएट करो दिमाग में, आंसर जल्दी कर पाओगे। 29th क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ये एक दो तीन चार पाँच है डॉट ऊपर में, और इसके अंदर फोर डॉट्स हैं, इसके अंदर फोर डॉट्स हैं तो इसके अंदर थ्री डॉट्स हैं, मतलब जस्ट पहले वाले से एक डॉट कम, इसमें पहले वाले से एक डॉट कम, इसके पहले वाले से एक डॉट कम करने का, अपने को थ्री डॉट्स हैं तो मेरे को टू डॉट्स वाले चाहिए, तो इस बेसिस पे मैंने डी को एलिमिनेट कर दिया कि डी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता भाई, ठीक है, बहुत सही। अब ये देखो मेरे ये नीचे साइड जा रहा है, तब ये देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, पहले एक एक थे दो दो, अब इनमें क्या होगा तीन तीन, तो तीन तीन होने चाहिए क्लॉकवाइज, इस बार मेरे को किधर जाना चाहिए, इधर के साइड जाना चाहिए, तो तीन किधर है, तो ऑप्शन नंबर ई के अंदर है, मेरे को डी तो एलिमिनेट कर लिया बिकॉज मेरे को इसके अंदर दो डॉट्स होने चाहिए थे तो तीन नहीं होने चाहिए थे, और ए में देखो दो डॉट्स है अभी तो इनका डायरेक्शन बहुत ही वो है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है बट इसके अंदर 1 2 3 4 है यहाँ पे एरो, जो कि फोर ना जबकि थ्री एरो चाहिए, तो इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर थ्री मेरा सही है, सॉरी ई मेरा सही है। 13 एंड लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहे हैं, पहले ये जो फोटो यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो अगली बार क्या जाएगा। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये हमारा बाल्टी का गमला सा मुंह वाला फोटो इधर है, अगली बार मेरे को यहाँ भेज दिया गया गमले को, फिर उसके बाद मेरे को यहाँ भेजा गया, मतलब कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, 135 डिग्री रोटेट करते जा रहा है ये, ठीक है, फिर यहाँ के बाद देखो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, 90 प्लस 45 135 रोटेट कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ के बाद 135 डिग्री पूरा यहाँ होता है, तो यहाँ के बाद 135 डिग्री इधर होता है, तो मेरे को ये तबला इधर होना चाहिए, तो ये तो बी के अंदर है, सी के अंदर है, डी के अंदर है और ई के अंदर है, बट इसकी फेस भी ध्यान देना, इसके पहले वाले में देखो इसका दो पार्ट बना होता है गमले का, एक पार्ट देखो लंबा होता है मतलब बड़ा होता है, छोटा सा होता है इसका मुंह, तो पहले वाले में देखो जो निडल लगी हुई है जिससे ज्वाइंट है वो बड़े वाले साइड से है, इसमें देखो छोटे वाले साइड से ज्वाइंट है, इसमें देखो बड़े वाले साइड से ज्वाइंट है, इसमें छोटे वाले साइड से, इसमें बड़े वाले साइड से, तो अगली बार गमला का छोटा वाला साइड से जुड़ा होना चाहिए, तो बी में नहीं है बड़े वाले साइड से जुड़ा हुआ है, डी में भी बड़े वाले साइड से जुड़ा है, तो सी एंड ई हमारा आंसर हो सकता है, तो सी और ई अभी भी हमारे रिमांड पे है, तो एक चीज ध्यान दो ना, अगली बार देखो ये जो है ना ये फोटो दिख रहा है आपको, ये जैसे है आपका वैसी ही है, मतलब इसको घुमाया नहीं गया है, तो ये फोटो जैसी है वैसी घुमाया नहीं गया, तो ट्रायंगल जिस तरीके से है मतलब तो उसी तरीके से ट्रायंगल होना चाहिए, तो लेकिन सी में देखो ट्रायंगल को रोटेट करा दिया गया गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इस बेसिस पे हमारा ई आंसर बिल्कुल भी सही है। तो बताओ 30 में से कितने आपने सही स्कोर किए, और सारी चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, कमेंट करके बता देना कितने स्कोर हुए आपके सही सही, और बैचेस के बारे में मैंने याद दिला दिया आपको फिर से कि इसमें ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा, और करंट जारी पीडीएफ जो है इनको भी बाय करना चाहते हो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो बाय करके एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ लो, बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जो है वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने टोटल कितना स्कोर किया इस मॉक टेस्ट के अंदर।